सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन पेशकश बाय अब्दुल मलिक फरीद साहब। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का। अ शॉर्ट ट्रिप टू मदीना, मक्का टू मदीना का उनका जर्नी होगा, है ना। एंड ही विल गोना ट्राई अरब ट्रेडिशनल फूड। सो लेट्स सी के कैसा होगा उनका वीडियो। उनके व्लॉग्स बहुत बेहतरीन होते हैं। सिर्फ उनकी वजह से हमने मक्का और मदीना के बारे में बहुत कुछ जाना है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अब्दुल मलिक फरीद और आज हम लोग जा रहे हैं मदीना। और उससे पहले आपको एक मैं मंजर दिखाता हूं मक्का का। यहां से बहुत ही खूबसूरत मक्का दिख रहा है। एक खूबसूरत बिल्ली भी है। इनसे आप मिले होंगे पहले, माजिद भाई हमारे साथ मदाइन सालह गए थे अलौला वाले ट्रिप पे। और ये मक्की भाई, मंदी वाली वीडियो में आपने इनको देखा होगा। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद। मदीना जाते जाते हमारा इरादा थोड़ा सा तब्दील हो गया। 20 किलोमीटर दूरी पे था हाईवे से सुवल, जिसको थुवल भी कहते हैं, सुवल भी कहते हैं, समंदर। ये देखिए, क्यों नहीं देखता इस जहान में, हर शैला में है दूध है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं मस्जिद कुबा के पास, वो मस्जिद जहाँ पर आप दो रकातें पढ़ें तो आपको उम्रे का सवाब होता है। यहाँ पर जोहर की नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, और फिर यहाँ से जाएंगे खाना खाने और फिर जाएंगे मस्जिद नबवी इंशाल्लाह। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये मक्की भाई ने मिसवाक लेके दी है, थैंक्स टू मक्की भैया, थैंक यू, शुक्रिया। मास्क लगा ले, मास्क लगाए हैं, मिसवाक कैसे करेंगे। अच्छा, ये दांत साफ करने वाला है। वैसे मस्जिद कुबा की मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड पे भी आ रही होगी। हाईली रेकमेंडेड है फुल इंफॉर्मेशन के लिए मस्जिद कुबा की। अच्छा, अभी हमारा इरादा है कि अरब फूड खाते हैं, कोई अरब खाना हो तो वो जाके ट्राई करते हैं। एक मैप पे मुझे मिला है एक रेस्टोरेंट, हाइल विलेज उसका नाम है, हाइल ऐसा कुछ नाम है उस रेस्टोरेंट का। बस अल्लाह करे कि अच्छा हो और आपके साथ भी शेयर करते हैं मज़े का अरबी खाना, अगर हुआ मजे का तो। ये है जनाब आला हमारा रेस्टोरेंट जिस पे आज हम लोग लंच करने लगे हैं। यहाँ पर ये चूल्हा वगैरह रखा हुआ है जहाँ पर लकड़ी जलाते हैं, और ये यहाँ पे पूरी चैनक वगैरह वो अरब वाला पुराना स्टाइल, जैसे पुराने स्टाइल की चीजें होती। इधर छत पे देखें लालटीन वगैरह, सही माहौल, पुराना माहौल बनाया हुआ वो। उधर भी कोई चीज लगी हुई है, ये पता नहीं किस काम में आती है। फर्श पत्थरों का बना हुआ है, ये देखिए, ये पत्थर हैं सारे, इस पे वो टाइल्स वगैरह नहीं लगाई। और इस तरह की मजलिस बनी हुई है यहाँ पर, मजलिस में बैठ के फुल ट्रेडिशनल है। ये दो हजरात मजलिस में बैठे हैं। दीवारें देखें, ये एक सही जिप्सम बोर्ड के ऊपर पट्टी लगा के ना बनाया हुआ, और ये पूरी मजलिस बिल्कुल पुराने स्टाइल में। जो खाना खाने का नीचे बैठ के मजा है ना भाई, मैं जिंदगी में कभी टेबल वेबल पर मेरे खाते नहीं, इन दोनों खाते पर मैं नहीं खाता, मैं नीचे बैठ के खाता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है।
सबसे पहले ये खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। माशाल्लाह, इसमें मकलूबा है, इसको कहते हैं मकलूबा। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये मुझे मनसफ लग रही है, नहीं कब्सा है, ये है कब्सा और ये है मनसफ। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सैलेड है और ये ग्रीन सैलेड, इसमें हमारे पास दही, इसको कहते हैं सलात लबन, दही वाला सैलेड। अब सैलेड तो नहीं है ये, कोई चटनी रायता वगैरह। और ये है हमारी, इसको कहते हैं सलात अहार, यानी कि मिर्ची वाला, मिर्ची वाली चटनी कह सकते हैं आप। इसके अंदर ये सारी सब्जियां वगैरह डाली हुई हैं और साथ में मुर्गी भी डाली हुई है। ये देखें, ये सब सब्जियां हैं और यहाँ पर अंदर मुर्गी छुपी हुई है। ये मकलूबा जो है काफ़ी मज़े का है, इसको मकलूबा कहते हैं। और ये थोड़ा सा मैं मुर्गी लेता हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी सब्ज़ी साथ में, ये सब्ज़ी आ गई और साथ में चावल। चावल काफ़ी सादा लग रहे हैं मुझे। बिस्मिल्लाह, मज़ेदार, लाजवाब, सीरियस, माशाल्लाह जबरदस्त। अब दूसरी डिश ट्राई करते हैं ताकि मेरे दोस्त जो है ना ज़्यादा महरूम ना हो ज़्यादा देर तक। ये है जनाब आला मनसफ, ये फ़लस्तीनी खाना होता है। और इसके ऊपर यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हैं, बादाम वगैरह डाली हुई है। और ये मुर्गी भी बड़ी ज़बरदस्त। और इसके ऊपर ये देखें, एक दूध का कोई मटेरियल बनाते हैं, कोई लिक्विड होता है दूध वाला, वो डालते हैं इसमें। और इसमें देसी घी डाला होता है अरब का, प्याज लिया है साथ में। और ये इसके साथ थोड़ा सा इसके साथ लेमन लगा दें तो मज़ा बढ़ती हो। ये देख रहे हैं चावलों के अंदर दूध वाला जो उन्होंने लिक्विड बना के डाला हुआ है ना, वो आ रहा है साथ में। लाजवाब प्योर। और ऊपर जैतून का तेल डाला हुआ है जिसमें वो बहुत चलता है, देखा था ना जब ये हज में गए थे कितना जैतून का तेल डाल के खा लिया है, ऑलिव ऑयल, बहुत जबरदस्त। अब नेक्स्ट ट्राई करें, ये है कब्सा, इसको कहते हैं कब्सा। और ये अरब का बहुत मशहूर खाना है। और इसका भी थोड़ा सा लेग पीस तोड़ के ट्राई करें, फिर बाद में चटनी वटनी डाल के खाते रहेंगे, फिर मेरे दोस्त भी खाएंगे, क्योंकि इनको महरूम थोड़ा सा रख के ना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए आप लोगों के साथ। ये चीज़ चलें जी, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, चावल तकरीबन एक जैसे हैं सब, लेकिन सबसे मज़ेदार है ये मकलूबा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो जो लिक्विड आप लोगों को मैं बता रहा था ना मनसफ के ऊपर डाला हुआ है, ये वही लिक्विड इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है साथ में, कि अगर आपका दिल करे तो यूँ डालें इसके ऊपर और यूँ भर के, भरा भरा है। मुझे लगता है कड़ी टाइप है वो ना, कड़ी, हाँ, दही, दही को तड़का, काफी मज़ेदार है, हल्का सा खट्टा खट्टा, वो दूध दूध और कड़ी है, वो कड़ी है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप ना यहाँ पर हाथ के साथ खाते हैं कड़ी चौक, अरब कल्चर की ये सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लग रहा था कि इस ये वाली चटनी जो है इसमें ज़्यादा मिर्ची होगी, लेकिन इसमें मिर्ची नहीं है इतनी ज़्यादा। इसमें मुर्गी आ रही है, साथ में बैंगन आ रहे हैं और साथ में ये पोटैटो भी है भाई। जहाँ तक मैंने अरब खाने खाए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है मदीना में अगर कोई अरब खाना खाना चाहता है तो। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं। सबसे नंबर वन पे मकलूबा इनका काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद कब्सा, कब्सा बहुत अच्छा था। मनसफ जो है वो थोड़ा भारी था, वही तेल और दूध की वजह से, तो हम लोग ज़्यादा नहीं खा पाए। और आप लोगों के लिए रेकमेंडेड है कि आप लोग मकलूबा लें, जो देसी लोग देख रहे हैं आप लोग मकलूबा लें और साथ में लाल चटनी। अभी कुछ बचा तो नहीं है इसमें, लेकिन लाल चटनी साथ में मकलूबा लें तो आपको सही मज़ा आएगा खाने का। अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि मस्जिद नबवी में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है या नहीं, एतमरना ऐप पे जो प्री परमिशन लेके जाना पड़ता है आपको, जैसे मस्जिद हराम में जाते हैं तो मस्जिद नबवी के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती नमाज के लिए, लेकिन रोज़ा शरीफ में आपने जब जाना है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। और वो मिलती भी मतलब कुछ दिनों बाद है, पहले 15 दिन थे, अभी तक मैं नहीं गया तो मुझे नहीं पता आजकल कब है, और अभी अवेलेबल भी नहीं थे हम लोग, अचानक ही आए हैं मदीना में, लेकिन कोई स्लॉट खाली नहीं थी तो हमें परमिशन नहीं मिली रोज़ा शरीफ के लिए। बाकी अगर आपने सलाम अर्ज करने जाना है तो उसकी परमिशन हर टाइम पे मिल जाती है, वो आप जब मर्जी होके करें,
मिल जाएगी, आप जाके सलाम अर्ज करके आ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद बिलाल जहाँ पर हम लोग हमेशा रुकते थे, अक्सर हमारे होटल इधर होते थे। मस्जिद नबवी का पहला जो ब्लॉक था वो यहाँ से इस मोहल्ले में था हमारा होटल मस्जिद बिलाल। और ये है मदीना का एक फूड बाजार, यहाँ का भी व्लॉग आप लोगों को मैंने बना के दिखाया था, फूड बाजार लिखा था मैंने, फिश खाई थी बड़ा जबरदस्त। यहाँ पर मछली मार्केट भी कहते हैं इसको, यहाँ पर मछली की बहुत सारी दुकानें हैं। और ट्रेडिशनल अरब फूड होता है यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त जगह है ये, सूग अतबाखा कहते हैं इसको। यहाँ पर मंदी भी है, काफी चीजें हमारे मुल्क में वो होते हैं ना एक फूड स्ट्रीट, तो यहाँ पर ये मदीना में वही चीज है, सूग तबाखा। बस ये नबी के बिल्कुल करीब है। और अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिलता या ये वो, तो ये सही, यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सूख तबाखा के पास, जैसे मछली बारबेक्यू वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देसी तो नहीं होता लेकिन सही होता है, अच्छा होता है, ऑप्शन मेन चीज़ काफ़ी होती है। रूए जमी पर कोई नहीं है ऐसा है मदीना, या तोइबा या तोइबा। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ये जब मंजर नजर आता है ना एकदम दिल को सुकून मिल जाता है। ऐसा है मदीना, कुछ मक्की कुछ मदनी, आयते कुरानी हिजरत की, था हुक्मे रब्बानी, खैरुल अनाम दुरूद सलाम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई है आते ही, अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा नहीं गुजरा और ज़ियारत हो गई, शुक्र है अल्लाह ताला का। वैसे ये जमजम देते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, आप जमजम सुकून से पीते हैं। बहरहाल आप लोगों को ज़ियारत और वो सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि पहले बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जब ज़रूरत थी कोई नहीं आ पा रहा था, मैं तब आता था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि तब मेरे नसीब होती थी ज़ियारत और मैं करता था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का खास रहम करम है, आप लोगों से भी इल्तिजा है दुआ की, आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें। और हमेशा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर जाके इबादत की जगह इबादत को टाइम दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब ज़रूरत थी आप लोगों को बताना था तरीकाकार तो तब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया। मज़ीद आप मेरी मदीना की वो ज़ियारतों की वीडियोज़, ख़ास तौर पर जहाँ पर मैंने रोज़ा शरीफ की और ये सारी ज़ियारतें करवाई थी मस्जिद नबवी की, वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और मदीना की दूसरी अगर ज़ियारतें करनी है तो नीचे क्लिक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन अब्दुल मलिक फरीद साहब की एक बेहतरीन पेशकश, ट्रेडिशनल अरब फूड उन्होंने दिखाया एंड उन्होंने पूरा ज़ियारत करवाई एंड ज़ियारत उन्होंने ऑब्वियसली बाहर से कराई, बट वो भी देख के दिल को सुकून मिलता है ना जब भी हम मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करते हैं एंड हमें लेके जाते हैं साथ में अपने। जब भी वो कोई भी वीडियो डालते हैं ना मैं सबसे पहले इनकी वीडियो देखता हूँ, कैसे भी हम उनकी भी, हम शायद से अभी लेट हो गई है, पुराना वीडियो है, थोड़े टाइम के बाद मैंने उनके चैनल पे गया, मैं बोला उधर वीडियो आई हुई है, मैंने फिर चलो मैं बोला मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देखिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।